आप सबको स्वागत है। आज हम 28 अप्रैल के ईश्वरवरदान में आ पहुंचे हैं। हम क्या किसी को अंदर की शांति या अंदर का क्रोध महसूस करा सकते हैं? एक वाइब्रेशन होती है। अगर आप किसी जगह पर बैठे हैं और वहां पर अगर 5-6 लोग हैं और सबकी आपस में संबंध की वाइब्रेशन ठीक ना हो, रिलेशनशिप अच्छे ना हो, तो वहां पर आपको भारीपन महसूस होगा। आपने एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है? अगर आपने नहीं किया है तो आप उस समय जहां पर बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, चुप होकर के साइलेंस में रहकर के वहां की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करिएगा। बहुत भारीपन होगा। तो क्या हम किसी को भारीपन भी महसूस करा सकते हैं और क्या हम किसी को शांति भी महसूस करा सकते हैं? आज हम इस वरदान में परमात्मा से सीखेंगे कि शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। इंसान देवताओं के सामने जाकर के शांति मांगते हैं, लेकिन वो देवता कहां है आज? कितने पुनर्जन्म लेकर के आज वो कहां पहुंच गई आत्माएं? वो हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या हमारे अंदर ही वो देवत्व है? क्या हमारे अंदर ही वो देवतापन है? क्या हम ही औरों को शांति महसूस करा सकते हैं? कल के वरदान में हमने शुभ संकल्पों के बारे में, पवित्र संकल्पों के बारे में सुना कि हम कैसे पवित्र संकल्पों के द्वारा हम कोई भी व्यक्ति को कहीं भी कैसा भी महसूस कर सकते हैं और हम हमेशा सफलता पा सकते हैं, हम सफलता मूर्त हो सकते हैं। तो आज परमात्मा ऐसे सिखाते हैं कि जैसे छोटा सा फायरफ्लाई जुगनू, जिसको हम कहते हैं, दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको, अरे वो तो जुगनू है, टिम 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 करता है। ऐसे विश्व की आत्माओं का व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को, आप सारे विश्व की आत्माओं को और जो आपके आसपास मिलते हैं, जो आपसे आत्माएं आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। जब आपकी वाइब्रेशन शांति की होगी, और शांति की वाइब्रेशन कैसे होंगे? जब आपके जो संकल्प है औरों के प्रति वो एकदम पवित्र होंगे, ना आपको घृणा होगी, ना नफरत होगी, ना किसी से कुछ बदला लेने की भावना होगी, ना किसी के अंदर आप गलतियां देखेंगे, ना किसी से आप डरेंगे, ना किसी से आपको कुछ मैनिपुलेट करके चाहिए वापस, तो आपके अंदर जो संकल्प होंगे वो शांति के होंगे, नहीं तो वो होंगे कन्फ्लिक्ट के, आपस में टकराव के। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं उनसे मिल रही हैं, बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। चारों ओर की अशांत आत्माएं, आज आत्माओं की कंडीशन कैसी है? अगर आप चारों तरफ देखें, अगर हम न्यूज खोलते हैं तो देखते हैं चारों तरफ, या तो हमें वेदर के अनुसार 5 तत्वों का उथल पुथल हमें दिख रहा है। सारे तत्व आज, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे धरती हो, भूकंप के अनुसार देखा जाए तो धरती भी आ जाती है, हवा पानी में टाइफूंस भी आ जाते हैं, पानी का सुनामी भी आ जाता है, फ्लड्स भी आ जाते हैं आपके, ये सारी चीजें आज अशांत करती जा रही हैं। मतलब कि 5 तत्व आज बिना कंट्रोल के हो चुके हैं। मन जो है वो 5 तत्व के अधीन बन चुका है, और 5 तत्व आज मन को अधीन बना करके कंट्रोल कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। हर तरफ आत्मा शांति ढूंढ रही हैं, तो उसके लिए चाहे वो योगा सीख रही हैं, या योग सीख रही हैं, या ब्रह्मचर्य व्रत ले रही हैं, या किसी साधु संत के अंडर में जाकर के उनसे सीख रही हैं, विद्या सीख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के वो शांति ढूंढ रही हैं। लेकिन शांति भूलने वाली चीज नहीं है, शांति महसूस कराने वाली चीज है, जो कि परमात्मा ही करवा सकते हैं। और हमारा अगर कनेक्शन परमात्मा से है ऊपर, तो वो शांति हम लेकर के, अपने आप को सुधार करके, अपने संकल्पों को पवित्र बना करके हम और को शांति महसूस करा सकते हैं। ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी इसमें, और आप अपने घर में भी शांति ला सकते हैं ये विधि इस्तेमाल करके। तो पवित्र बनाए संकल्प को ये कौन सिखाता है? परमपिता परमात्मा। और पवित्र संकल्प होते क्या है और अपवित्र संकल्प होते क्या है, ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया में आज क्या चल रहा है? सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग से भी बहुत ज्यादा गहरी है प्योर थिंकिंग, जो कि आप ब्रह्म कुमारी इसमें कैसे सकते हैं। ओम शांति इसके साथ।